तो फ्रेंड्स फाइनली वाबे ने लॉन्च कर दिया चाइनीज मार्केट में एक अपना स्मार्टफोन जिसका नाम उन्होंने दिया है वाबे नोवा 4e। इंडियन में इसे आप इंडियन नाम में आप इसे कह सकते हैं वाबे P30 लाइट। तो फाइनली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाबे P30 लाइट के बारे में और आपके हैंड्स ऑन इस फोन का रिव्यू देने वाले हैं और इसके फुल स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं कि इस फोन का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है और यह फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कब होगा और लॉन्च होगा तो इसका प्राइस क्या आने वाला है। तो आज हम टोटल वीडियो में आपको यह दिखाने भी वाले हैं कि यह फोन किस तरीके से दिखता है और आपको बताने भी वाले हैं टोटल इसका फीचर्स। तो दोस्तों और आपको एक बात बता दें कि यह वीडियो जो है यह चाइनीज वीडियो है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका स्पेसिफिकेशन बताने के लिए इसका रिव्यू करने के लिए इस वीडियो का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी और चीज़ का वीडियो देखते हैं तो वो मतलब खुद से कुछ कमेंट पे लिख देते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यह एक चाइनीज वीडियो है, मैं सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के लिए इस वीडियो का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात कर ली इस फोन की अगर आगे की पोजीशन की, तो इस फोन में आपको 6.15 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जो 1080 स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आता है। इस फोन में आपको आगे की साइड 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाती है जो डी ड्रॉप नॉच के साथ आता है और साथ ही साथ ऊपर में आपको एक थोड़ा सा छोटा सा छेद देखने के लिए मिल जाता है जो एक ईयर रिंगर की जगह है। और यह इस फोन के डिस्प्ले टाइप की बात करते हैं, इस फोन में आपको IPS डिस्प्ले मिल जाती है। एस्पेक्टेड रेशियो की बात करते हैं, इस फोन में आपको 19:9 की मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, इस फोन में आपको मिल जाती है एंड्रॉयड V9.0 पाई। बात करते हैं इस फोन के बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको मिल जाती है ट्रिपल कैमरा का सेटअप जिसमें जो फर्स्ट सेंसर आपको मिलने वाला है वो आपको 24 मेगापिक्सल का एंड सेकंड आपको मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का एंड थर्ड सेंसर की बात करते हैं यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मिल जाती है और साथ ही साथ आपको डुअल LED फ्लैश मिल जाती है। थोड़ा सा राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाती है रियर फिंगरप्रिंट सेंसर जो यहाँ पर रियर पोजीशन में ही दिया गया है। नीचे की साइड थोड़ा सा आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको वाबे का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है। और फ़ोन की नीचे की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाती है एक स्पीकर और साथ ही साथ आपको यहाँ मिल जाती है चार्जिंग पोर्ट जो USB टाइप सी के साथ आता है। थोड़ा साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 3.5 mm की एक ऑडियो जैक और साथ ही साथ आपको माइक की जगह भी मिल जाती है। इस फोन की चिपसेट की बात करते हैं, इस फोन में आपको मिल जाती है हाई सिलिकन क्रीन 710 का। उसमें प्रोसेसर की बात करते हैं, इस फोन में आपको मिल जाती है ऑक्टा कोर 2.2 GHz का मिल जाती है। ग्राफिक्स की बात करते हैं, इस फोन में आपको मिल जाती है मेली G51MP4 का। इस फोन में आपको मिल जाती है 3340 mAh की एक बैटरी जो क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये थी इस फोन के शॉर्ट रिव्यू और फाइनल स्पेसिफिकेशंस। और इस फोन के अगर रैम रोम की बात करते हैं, इस फोन में आपको 4 GB का रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल जाते हैं। लॉन्च डेट की बात करती है, आप फोन जो है अप्रैल में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। ये भी कंफर्म किया नहीं गया है कि अप्रैल में ही लॉन्च होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड डेट दिया गया तो यहाँ पर आपको अप्रैल ही देखने के लिए मिलता है। अब बात कर ली इंडियन प्राइस की, तो यह फोन जो है उस यानी कि चाइना की तुलना में यहाँ पर अगर तुलना करते तो यहाँ पर आपको इस फोन का प्राइस जो होता है वो 20,790 रुपये आता है। लेकिन मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट में यह फोन इससे कम में आना चाहिए, क्योंकि अभी इसके टक्कर देने लायक बहुत सारा फ़ोन है। जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन आपको मिल जाता है 15,000 में और उसके बाद आपको पॉपअप सेल्फी वाला फ़ोन मिल जाती है। थोड़ा सा आगे आप जाते हैं 25-30 हज़ार के अंदर में तो आपको यहाँ पर पॉपअप सेल्फी वाला फ़ोन देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से इस फोन का प्राइस जो है और कुछ कम होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस फोन का प्राइस इतना ही ठीक है या फिर इससे कम होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना सा ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलता है अगले वीडियो में।